कठिन का सिस्टम है, यदि एक्स स्क्वायर इंटू में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू आर प्लस पी एस एक्स और प्लस आर स्क्वायर एस स्क्वायर इक्वल टू जीरो के मूल समान हो तो ये हमें सिद्ध करना है। चलिए देखिए, समीकरण के मूल समान देते हैं, पहले ए बी सी के वैल्यू लिख लेते हैं। चलिए देखिए, इनका वैल्यू है यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बी का वैल्यू है टू इंटू में क्यू आर इंटू में पी एस और C का वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर। क्या क्या है समीकरण की मूल वास्तविक है, समीकरण के मूल क्या है वास्तविक तथा समान है, मूल समान है, सिर्फ लिखो ना, अगर क्वेश्चन में समान कह रहा है मूल समान है, जब मूल समान है तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर में हो जाएगा जीरो, यानी आ जाएगा टू इंटू में क्यू आर प्लस पी एस का स्क्वायर माइनस फोर एक जगह पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और आर ए सी की जगह पे आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बराबर में जीरो। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा चार, ब्रैकेट में आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस का टू इंटू क्यू आर इंटू में पी एस प्लस में पी एस का स्क्वायर, और यहाँ देखिए फोर इंटू में यहाँ पी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर एस स्क्वायर इक्वल टू में चार कॉमन कर लेते हैं, यहाँ क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस का टू पी क्यू आर एस प्लस पी स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आर स्क्वायर, चार कॉमन हो गया है, माइनस पी स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर एस स्क्वायर इक्वल टू में जीरो। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर ये है और ये कैंसिल हो जाएगा, चार जाएगा उधर भाग में जीरो हो जाएगा, बच जाएगा टू पी क्यू आर एस माइनस का पी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर आर एस स्क्वायर इक्वल टू में जीरो, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा प्लस का पी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर एस स्क्वायर और प्लस माइनस का टू पी क्यू आर एस। फिर इसे देखिए पी आर का स्क्वायर प्लस में क्यू एस का स्क्वायर और माइनस का टू पी आर और इंटू में क्यू एस बराबर में जीरो, तो यहाँ से हो जाएगा पी आर माइनस क्यू एस का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा जीरो हो जाएगा, बच जाएगा आपका पी आर माइनस का क्यू एस बराबर में जीरो, पी आर इक्वल टू में क्यू एस हो जाएगा, लेकिन इसको इधर भाग में और इसको इधर भाग में, तो यहाँ आ जाएगा पी बटा में क्यू और इधर आपका एस बटा में आर। ये ना हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव करके दिखा दिया, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सोल्यूशन, आर डी शर्मा सोल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पर जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियो आप सभी को कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।